और दोस्तों देखिए मुझे यहाँ पर मिल गए लेपर्ड के। देखिए रात के समय आया है दोस्तों ये, और देखिए लेपर्ड की है और उसके पास है देखिए डियर का ये आप देख रहे हैं खुरी है। और दोस्तों देखिए बाइक वाले आने में मजबूर हैं दोस्तों, ये घने जंगल के बीच से देखिए आना ही पड़ता है रोड। देखिए ये देखिए फिर एक बाइक वाला आ गया है और 10-11 बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा दोस्तों। बाइक वाला फिर आ चुका है इतने घने जंगल से गुजरने में दोस्तों, ये मजबूर लोग देखिए। एक फिर एक बाइक वाला देखिए यहाँ पर मिल गई हमें। देखिए ये जंगली बिल्ली दोस्तों, देखिए ये मुझे काटने के लिए आती है। ये देखिए काटने को आ रही दोस्तों। और देखिए दोस्तों यहाँ पर सेल्फी लेते हुए पर्यटक, ये देखिए डियर, देखिए काफी नीचे है दोस्तों, दिख नहीं रहा होगा। दोस्तों चांद भी अभी दिख रहा है देखिए आपको सामने, और 7:45 होने वाला है देखिए सामने, पूरा गोल चांद आपको दिख रहा होगा। और देखिए अभी थोड़ी हल्की दिशाएं खुली हुई हैं दोस्तों, देखिए सामने जो बादल आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, देखिए और देखिए सामने आप देख रहे होंगे सामने का व्यू दोस्तों, पूरा अंधेरा हो गया है। और दोस्तों देखिए घूमते हम जंगल की घूमते घूमते हमें मोमो खाने का मन कर गया, और हम खा रहे मोमो, प्रमोद भाई देखिए और गोपाल जी भी खा रहे देखिए। और दोस्तों देखिए अब हो चुका है अंधेरा, और आप झिंगुर की भी आवाज़ सुनने में, काफ़ी झिंगुर की आवाज़ें तेज़ हो चुकी हैं, और जंगल का माहौल दोस्तों अब अंधेरे की बात कुछ अलग ही हो जाता है अंधेरा हो। और देखिए हो गए बरसाती रिवर से पार, और देखिए झिंगुर की आवाज़ दोस्तों हल्की हल्की। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल देवभूमि नैनीताल दर्शन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज हम निकल चुके देखिए इवनिंग में, और शाम का भी 6:30 हुआ है दोस्तों, और शाम के टाइम में भी काफ़ी मूवमेंट करते हैं वाइल्ड एनिमल जिम कॉर्बेट का यह जंगल दोस्तों। और चल रहे हैं हम आगे, देखिए हमारे साथ प्रमोद भाई और गोपाल जी भी हैं। और अभी देखिए आपने पीछे देखा होगा सर दोस्तों, देखिए यही ऐसे ही इनके पीछे पीछे दोस्तों एक गांव की तरफ जाने लग गए, क्योंकि अब जितना अंधेरा होगा उतना ये गांव की तरफ आएंगे, क्योंकि इधर फिर इन्हें टाइगर लेपर्ड का डर लग जाता है कहीं हमला ना हो जाए करके। तो ये पूरे पूरा ग्रुप और झुंड बना के देखिए रिवर पार हो गए गाँव की तरफ। और दोस्तों ऐसे ही ये हो जाते हैं देखिए रोज़ शाम के टाइम में रिवर पार, क्योंकि जंगली जानवरों के डर से, टाइगर के डर से ये चले जाते हैं गांव के आसपास बाड़े में, और यहाँ गांव जहाँ आबादी क्षेत्र है वहाँ पर चले जाता है दोस्तों सारे जंगली जानवर। और अभी इनमें मूवमेंट हो गया इनका देखिए धीरे धीरे, और पीछे से वाइल्ड बोर और भी जो जानवर होंगे दोस्तों सब इधर आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं डर के मारे, टाइगर या लेपर्ड के डर से। और देखिए दोस्तों यहाँ पर सेल्फी लेते हुए पर्यटक, ये देखिए काकड़, और यहाँ पर काकड़ दिख रहा है आगे, लेकिन यहाँ सामने आगे दिखेगा नहीं दोस्तों, काफ़ी दूर है। और यहाँ पर सेल्फी लेते हुए पर्यटक दिखे, अभी सफारी से आ रहे हैं। और नीचे देखिए दोस्तों वहाँ भी वो देखिए पार हो रहा है रिवर पार, स्पॉटेड डियर देखिए, काफ़ी नीचे है दोस्तों, दिख नहीं रहा होगा। और इधर भी है देखिए काफ़ी हैं ये ग्रासलैंड पे देखिए सामने, और इधर पर्यटक भी फोटो खींचते हुए देखिए नीचे स्पॉटेड डियर के दोस्तों, देखिए नीचे काफ़ी ग्रासलैंड में है स्पॉटेड डियर देखिए। जिम कॉर्बेट का ये जंगल दोस्तों, और ये बरसाती रिवर देखिए, ये भी इसमें भी पानी अच्छा खासा है, और लेकिन आजकल पानी साफ हो रखा है देखिए। और इधर देखिए पर्यटक भी लेते हुए फोटो, सामने स्पॉटेड डियर दिख रहे हैं। और देखिए हो गए बरसाती रिवर से पार,
सामने जिससे आते हुए देखिए। और दोस्तों देखिए मुझे यहाँ पर मिल गए लेपर्ड के। देखिए रात के समय आया है दोस्तों ये, और देखिए लेपर्ड की है और उसके पास है देखिए डियर का, ये आप देख रहे हैं खुरी है। और इधर देखिए ये लेपर्ड गया रात के समय यहाँ पर, और फिर इधर को देखो ये दिख नहीं रहा है, और इधर पीछे भी दिख रहा है ये देखिए। तो दोस्तों देखिए ये देखिए ये रात के समय डियर के पीछे पीछे आया है, ये देखिए पूरे डियर के खुर। और मैं आपको आगे दिखा, ये देखिए यहाँ पर ये लगा है दोस्तों ये। शाम का 6:30 बजे का ये नज़ारा जंगल का, देखिए दोस्तों खूबसूरत नज़ारा जंगल का, तो काफ़ी ग्रीनरी हो रही है देखिए आजकल रेनी सीजन बरसात के टाइम पर। पूरा जंगल ग्रीन हुआ है देखिए आजकल। और दोस्तों ये छोटी छोटी जो वनस्पति है इनमें भी काफ़ी बार टाइगर लेपर्ड बैठे रहते हैं दोस्तों, और जब आप बाइक से जाते हैं तो काफ़ी सावधानी से जाएं और बीच उसमें जाएं। ये देखिए जैसे ये जा रहे हैं देखिए बाइक वाले, देखिए अपने कोई घर को जा रहा है, कोई काम के लिए जा रहा है मार्केट, यहाँ से 20 किलोमीटर है गाँव वाले देखिए। और ऐसे जाते हैं देखिए दोस्तों गांव वाले ग्रुप बना के, दो दो या तीन तीन चार चार बाइकें, और जिससे इनकी सेफ्टी होती है। इससे एक है पर्यटकों ने देखिए बियर पिए से बिल्कुल गंदगी ना करें दोस्तों, किसी का टायर चढ़ गया तो ये टायर पंचर कर देगा और नुकसान भी हो सकता है, और वाइल्ड एनिमल के पैर में भी ये घुस सकता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें देखिए। और देखिए स्पीड, ये बाहर के लोग इतनी स्पीड ले जा रहे हैं देखिए दोस्तों गाड़ी को, देखिए ये 100 की स्पीड में पूरा, और कोई भी वाइल्ड एनिमल आए दोस्तों और नुकसान दोनों को होगा, आप देख सकते हैं लोग मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है ये देखिए ये वन्यजीव क्षेत्र बहुमूल्य क्षेत्र है, और आराम से गाड़ी चलाएं धीरे धीरे, लेकिन लोग समझते नहीं दोस्तों। देखिए ले गया हवा में गाड़ी को, देख सकते हैं झिंगुर की आवाज़ें शुरू हो चुकी हैं दोस्तों, ये देखिए झिंगुर की आवाज़ें शुरू हो चुकी हैं हल्की हल्की। आपको अब दिन छिप हल्का हल्का अंधेरा होने को आ रहा है, तो झिंगुर अपने अपना काम शुरू करने लग गए देखिए। और इवनिंग को आप हम दोस्तों आज हम यहाँ पर आए हैं जिम कॉर्बेट के ये जंगल में। और आगे से दोस्तों कोई भी वाइल्ड एनिमल रोड क्रॉस कर सकता है, कोई पता नहीं, पूरा जंगल है देखिए। और हम वाइल्ड एनिमल के जंगल से गुजरते हुए, और हमें एक बार इस रोड पर हाथी भी मिला है दोस्तों। और देखिए दोस्तों उस दिन ये हाथी ने तोड़ा था ये देखिए, ये पूरा पेड़ सागवान ट्री देखिए। और देखिए दोस्तों बाइक वाले भी आना शुरू हो चुके हैं धीरे धीरे, अब शहरों में काम करने वाले दोस्तों अपने गांव की ओर लौट रहे हैं देखिए धीरे धीरे। और एक स्कूटी वाला फिर आ गया है देखिए दोस्तों, जिसकी छुट्टी टाइम से होती है, टाइम से आ जाते हैं, और नहीं तो फिर रात का ही, रात 9-10 बजे आते हैं बहुत से लोग, आपको मैंने दिखाया दोस्तों देखिए, ये है स्कूटी वाला देखिए। और धीरे धीरे अंधेरा शुरू हो गया है देखिए, अंधेरा होना शुरू हो चुका है, 6:30 का टाइम हो चुका है अभी। और जंगलों में दोस्तों जल्दी अंधेरा हो जाता है, देख सकते हैं आप ये, क्योंकि पूरा घना ये जंगल। और जिम कॉर्बेट के ये जंगल दोस्तों काफ़ी फेमस है हाथी वाइल्ड एनिमल के लिए, और दोस्तों हमें ये जंगल भी फेमस बनाना है, लोग जंगल देखने भी आए दोस्तों, हमें ये जंगल घने बनाने हैं। और देखिए एक बाइक वाला फिर निकल चुका हमारे देखिए शाम के समय में, और कोई आ भी रहा है देखिए। और देख सकते झिंगुर की आवाज़,
और काफी जंगली मुर्गा भी बोला दोस्तों इधर। और देखिए झिंगुर की आवाज दोस्तों हल्की हल्की। और झिंगुर की आवाज दोस्तों देखिए। दोस्तों चांद भी अभी दिख रहा है, देखिए आपको सामने, और पौने सात होने वाला है। देखिए सामने पूरा गोल चांद आपको दिख रहा होगा और काफी खूबसूरत नजारा दोस्तों। देखिए जंगल के बीच से दिख रहा है, देखिए पेड़ के पेड़ों से दिख रहा है, देखिए चांद सामने, और हल्की हल्की झिंगुर की आवाज भी आ रही होगी। एक कार हमारे आगे चली गई है देखिए। और देखिए दोस्तों झिंगुर की आवाज काफी तेज आ रही है इधर। और दोस्तों देखिए घूमते हम जंगल की घूमते घूमते हमें मोमो खाने का मन कर गया और हम खा रहे मोमो। प्रमोद भाई देखिए और गोपाल जी भी खा रहे देखिए, और काफी टेस्टी हो रहे दोस्तों मोमो। आप जिम कॉर्बेट हैं तो यहाँ के मोमो जरूर खाएं आप। खेले लगे हुए देखिए, काफी टेस्टी मोमो हो रहे हैं देखिए। और ये मडुए के मोमो हैं दोस्तों, देखिए चिकन मोमो लेकिन मडुए के बने हुए हैं। ये देखिए चाउमीन मोमो बन रहे दोस्तों, आज तो फेवरेट हो रहे हैं सभी के चाउमीन मोमो। और खा लिए देखिए हमने, गोपाल जी ने भी खा लिया। बैठ गए सब गाड़ी में दोस्तों और अंधेरा भी हो चुका है। और देखिए सामने आप देख रहे होंगे सामने का व्यू दोस्तों, पूरा अंधेरा हो गया है। और शाम का नजारा देखिए दोस्तों 7 बजे का कुछ ऐसा है देखिए। और दोस्तों देखिए अब हो चुका है अंधेरा, और आप झिंगुर की भी आवाज़ सुनने में, काफ़ी झिंगुर की आवाज़ें तेज हो चुकी हैं, और जंगल का माहौल दोस्तों अब अंधेरे की बात कुछ अलग ही हो जाता है अंधेरा होते ही। और देखिए बिल्कुल लोग लौटने लगे अपने अपने गाँव को जो शहरों में थे। और देखिए सामने का दृश्य थोड़ा, और यहाँ पर मुझे मिल गई जंगली बिल्ली दोस्तों। देखिए ये देखिए ये, बिल्ली दोस्तों देखिए ये मुझे काटने के लिए आ रही है। ये देखिए काटने को आ रही दोस्तों। ये देखिए काफी खतरनाक हो रही दोस्तों। और जंगल में देखिए कितनी धीमी लाइट से जला के आ रहा दोस्तों। देखिए ये देखिए और पूरा डेन फॉरेस्ट है दोस्तों। ये देखिए
देखो एक गाड़ी हमारे आगे से जा रही है, देखिए सामने, और काफी धीमी गति से जा रही है, देखिए। टैक्सी नंबर है, देखिए। और काफी तेज झिंगुर की आवाज दोस्तों। और दोस्तों देख सकते हैं इतने घने जंगल में बाइक वाले कैसे रिस्क लेके आते हैं, देखिए आप देख रहे होंगे। और पूरा वाइल्ड एनिमल का ये जंगल दोस्तों, देखिए गांव वालों की मजबूरी आप कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, देखिए ये देखिए। और रात का पूरा अंधेरा, ये देखिए रोड, पूरा जंगल और पूरे झिंगुर की आवाज़ें आप सुन सकते हैं। रात के समय कोई लौट रहा है दोस्तों काम से और कोई अपने घर आ रहा है, देखिए। और अभी ये 11 बजे तक चलता रहेगा ये सिलसिला गांव वालों का। बाइक वाला फिर आ चुका है इतने घने जंगल से गुजरने में दोस्तों, ये मजबूर लोग देखिए। देखिए अभी थोड़ी हल्की दिशाएं खुली हुई हैं दोस्तों, देखिए सामने जो बादल आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, देखिए। और पूरा जंगल का एरिया ये, दोनों तरफ जंगल ही जंगल, जिम कॉर्बेट का जंगल। दोस्तों देखिए बाइक वाले आने में मजबूर हैं दोस्तों, ये घने जंगल के बीच से देखिए आना ही पड़ता है रोड, देखिए। ये देखिए फिर एक बाइक वाला आ गया है और 10 से 11 बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा दोस्तों। और घने जंगल के बीच में जो गांव है दोस्तों, इनका जीवन बहुत संघर्षशील और काफ़ी कठिनाइयों से गुजरता है और काफ़ी सामना करना पड़ता है इनको कठिनाइयों से, क्योंकि आप देख सकते हैं कभी कोई काजू आ गया, कोई रपट्टे में कभी पानी, कभी जंगली जानवर दोस्तों। रात आधी रात को बड़ी समस्या रहती है इन लोगों पर जो ये घने जंगल के बीच में गांव है। जैसे दोस्तों अभी आपने देखा होगा चुकम एक गांव है जहां पर अभी काफ़ी मुश्किलों से लोग वहां पर रह रहे हैं और खेत बह गए, घर बह गए और दोस्तों रास्ता भी नहीं है और वो कैसे रह रहे होंगे दोस्तों। ऐसी सुंदर खाल है, टेढ़ा गाँव है और दोस्तों ये काफ़ी मुश्किलों से का सामना कर रहे हैं अभी रेनी सीजन में, क्योंकि काफ़ी बाढ़ आई हुई है अभी आजकल, आप देख रहे होंगे सुन रहे होंगे आप। ये देखिए फिर एक गया बाइक वाला दोस्तों, देखिए। फिर एक बाइक वाला
और आप देख सकते हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक घने जंगल से बाइक में जाना कितना रिस्की है। और दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और कल तक के लिए बाय बाय।